सीएए लागू होते ही लाखों मुसलमानों के साथ साथ कुछ हिंदू भी टेंशन में क्यों हैं? केजरीवाल से लेकर ममता तक ने सीएए लागू होते ही क्या कहा, जरूर सुनिए। सीएए लागू होना देश के लिए जरूरी या फिर सिर्फ राजनीति के लिए हुआ है, समझिए। सीएए यानी कि नागरिक संशोधन कानून की अधिसूचना जारी होते ही कई लोग ये सोच रहे हैं कि क्या हर मुस्लिम को नागरिकता सर्टिफिकेट लेना है, क्या हर मुसलमान अपना कागज लेकर सरकारी अधिकारियों के पास दौड़ेगा, और सीएए से अगर 6 अल्पसंख्यकों को नागरिकता मिल रही है तो फिर कुछ हिंदू इससे परेशान क्यों हैं? तो आपके दिमाग में उठ रहे हर सवाल का जवाब अगले 3 मिनट में देते हैं, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि उत्तर पूर्वी दिल्ली से लेकर बंगाल और उत्तर प्रदेश तक में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जैसे ही ट्वीट किया गया, हर जिले के डीएमएसपी को सुरक्षा मुस्तैद करने के आदेश दिए गए। केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्वीट में साफ साफ लिखा, नागरिक संशोधन कानून 2024 के तहत उन लोगों को नागरिकता मिलेगी जो सीएए 2019 के तहत इसके योग्य हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ये कानून कहता है कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आए हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी जो 31 दिसंबर 2014 से पहले हिंदुस्तान आ चुके हैं उन्हें नागरिकता दी जाएगी। इसके लिए सरकार की ओर से एक वेब पोर्टल बनाया गया है जहां जाकर आप मोबाइल या फिर कंप्यूटर किसी से भी अपनी सारी जानकारी अपलोड करेंगे, फिर सरकारी जांच पड़ताल के बाद उन्हें नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन विपक्ष का कहना है कि यह नागरिकता छीनने वाला कानून है क्योंकि इससे मुसलमानों को नागरिकता नहीं मिल रही है। ममता बनर्जी का कहना है कि मैं सीएए एनआरसी को स्वीकार नहीं करती, मैं इसका विरोध करती हूँ, बाकी डिटेल देकर बताऊंगी। इसके अलावा कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि ये चुनाव की वजह से किया गया है, जबकि केजरीवाल का दावा है कि सीएए गैर जरूरी है, इससे हिंदू मुसलमान दोनों पर असर पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि इससे उन मुसलमानों की नागरिकता तो छीनेगी जो यहाँ पर सालों से बिना कागजात के रह रहे हैं, फिर हिंदू क्यों परेशान है? तो इसकी वजह है संशोधन की कमी। हिंदुस्तान में पहले से ही रोजगार का संकट है, महंगाई का मुद्दा विपक्ष लगातार उठा रहा है। ऐसे में पाकिस्तान से आए 2 करोड़ हिंदू हों या फिर अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए लोगों को नौकरी कहां से मिलेगी? यही वजह है कि करोड़ों हिंदुओं को इस बात की चिंता सता रही है कि जब बाहर से आए लोगों को नागरिकता देंगे तो फिर हमारे बच्चों का क्या होगा। यही वो बात है जिस पर विपक्ष मोदी सरकार पर निशाना साध रहा है। अखिलेश यादव तो ये तक कह रहे हैं कि देश का नागरिक रोजी रोटी के लिए मजबूर है और दूसरों के लिए नागरिकता कानून ला रही है, पर राजनीति से हटकर देखिए तो ये देश के लिए जरूरी भी है क्योंकि हिंदुस्तान में रह रहे उन लोगों का हिसाब बेहद जरूरी है जो सालों से खा तो यहाँ की रही है पर गा कहीं और की रही है, किसी और के इशारे पर देश के खिलाफ काम कर रही है। वरना एक बात सोचिए, जिन्हें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे मुस्लिम मुल्क नागरिकता नहीं दे रहे हैं उन्हें भारत क्यों दे? जिन अल्पसंख्यकों के साथ अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में भेदभाव हुआ वो कहां जाएंगे?